दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये सामने ये यूएई पवेलियन है। अभी तक मैं यूएई पवेलियन में नहीं गया था। अलवासिल प्लाजा मेरे पीछे जो ब्लू वैलेट कलर की लाइट जल रही है, मैं इसी को सोच रहा था कि ये यूएई पवेलियन है। तो अभी वो आपको विंग की शक्ल का वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, विंग की तरह बर्ड की, ऐसा लग रहा है कि चिड़िया का पर वगैरह है, चिड़िया का पंख है। तो वो यूएई का यूएई पवेलियन है। अभी उसमें जाते हैं, वहाँ पे यहाँ का कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। अभी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं लेके चलता हूँ आपको उधर। और ये सामने अलवासिल प्लाजा, यहाँ पे पैदल चलते चलते लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। मुझे लगता है कि सारा पवेलियन अगर मिला दिया जाए तो शायद 5 किलोमीटर के आसपास में होगा। यूएई पवेलियन का एंट्रेंस तो बंद है। यहाँ से एंट्रेंस है बस बंद है, लेकिन क्यों बंद है नो आइडिया। ये ब्यूटीफुल व्यू है यूएई पवेलियन का। यहाँ पे यूएई का कल्चरल डांस और कुछ सॉन्ग वगैरह चल रहा है। बच्चा पार्टी लोग के लिए एक ड्रैगन आ रहा है। क्या है ये ड्रैगन? ही है वो भी मैनुअल ड्रैगन है। कितने सारे लोग मिलके इसको चला रहे हैं, तभी एक ड्रैगन चल रहा है। ओके, दिस मच इज एनफ, इट्स फॉर ओनली फॉर द बच्चा पार्टी। दोस्तों फाइनली एक बार फिर से इंडियन पवेलियन की तरफ। लग रहा है आज भी पवेलियन में एंट्री नहीं हो पाएगी। माय गॉड, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग हियर एंड टुडे आल्सो नो एंट्री। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड द बिल्डिंग फेस इट, दिस इज इंडियन पवेलियन। भारत अब हिंद। अभी मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर अभी भी नहीं एंट्री मिल रही है, सो बंद है। आप हमारे ट्राई कलर फ्लैग से ही तसल्ली ले लीजिए। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा भी आऊँगा। चलो ठीक है,